दोस्तों हमारे देश में जहाँ राजस्थान एक स्टेट है जो इसलिए फेमस है कि हाँ वहाँ कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हज़ारों बच्चे हर साल जाते हैं कि कोटा में अपने एजुकेशन या फिर कोचिंग लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान एक और चीज़ के लिए धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है और वो है फर्जी मार्कशीट, फर्जी यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी स्कैम को लेकर। ऐसा पहले भी हो चुका है कि एक बार 2 साल पहले 3 साल पहले राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए उन्होंने एक दिया था कि हाँ ये यूनिवर्सिटी राजस्थान गवर्नमेंट इसको फेक मानती है, और उसका रीज़न उन्होंने जो दिया था उसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। हालांकि ये होता है कि जब हम ऐसी कोई न्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हमारे ऊपर भी नोटिस आने लगते हैं, यूनिवर्सिटी नोटिस देने लगती है। बट इसके साथ साथ आज फिर से है कि अगर आप आज इंडिया टुडे देखते हैं या फिर NDTV या फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल जहाँ पर आज एक और न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो ये है OPGS यूनिवर्सिटी के संस्थापक संचालक है रजिस्ट्रार जितेंद्र यादव या फिर जोगिंदर सिंह, और इनके साथ साथ एक और नाम आ रहा है सरिता कड़वांसरा। तो ये है, इन लोगों का भी नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आज उसी के ऊपर मैं बताने वाला हूँ OPGS यूनिवर्सिटी या सनराइज़ यूनिवर्सिटी से अगर आपने भी कोई डिग्री ली है तो अब क्या होने वाला है, मामला क्या है। मामला शुरू होता है अभी 2022 में PTI भर्ती से। PTI भर्ती में क्या हुआ था कि PTI भर्ती में बहुत सारी एप्लीकेशंस गई थी जिसमें कि ये था कि 1300 से ज़्यादा एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ OPGS यूनिवर्सिटी से जो MPED के स्टूडेंट्स थे या BPED के स्टूडेंट्स थे उन्होंने वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब अगर हम बात करें OPGS यूनिवर्सिटी को, क्या इसके लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए कोई अप्रूवल था, तो उसमें उनको फिजिकल एजुकेशन का एक अप्रूवल मिला था जिसमें कि ये था कि वो 2016 से लेकर 2020 तक का वो अप्रूवल रहा था और उसमें वो वहाँ पर ये कोर्सेज करवा सकते थे PTI के लिए जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है। बट उनको एक और था कि उनको सिर्फ 100 सीट्स मिलती थी। 100 सीट्स का मतलब है अगर हम 16 से लेकर 20 तक की बात करें तो 500 सीट्स यानी कि 500 फॉर्म वहाँ पर जा सकते थे। बट जब PTI भर्ती वहाँ पर हुई है तो उसमें 1300 से ज़्यादा एप्लीकेशन सिर्फ OPGS यूनिवर्सिटी की गई है, जहाँ से इस मामले के लिए राजस्थान SOG ने यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स जो होते हैं उन्होंने उसके लिए तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद उसकी इंक्वायरी की और तब जाकर ये सब मामला पकड़ में आया है। अब है क्या यूनिवर्सिटीज़ OPGS यूनिवर्सिटी और सनराइज यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि न्यूज़ में कहा जा रहा है, उनमें ये कहा जा रहा है कि हाँ इन यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारी फर्जी डिग्रियाँ दी हैं और इन यूनिवर्सिटी के बेस पर अगर कोई भी स्टूडेंट है जो अब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनकी सारी की सारी एप्लीकेशंस को वापस से खंगाला जाएगा और वापस से उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, और अगर वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो उन लोगों की नौकरी को ख़त्म किया जाएगा और साथ साथ उनके खिलाफ केस किया जाएगा। जब आप लोग हमारे पास कॉल करते हैं और आप लोग पूछते हैं कि बैकडेट डिग्री कर सकते हैं या नहीं, तो बैकडेट डिग्री का ये नुकसान होता है जिसके लिए हम हमेशा एक वीडियो बनाते हैं कि मत कीजिए बैकडेट डिग्री लेने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और होता है ये है कि आप अगर एक आपको मना कर रहा है आप किसी दूसरे के पास जाते हैं, किसी तीसरे के पास जाते हैं और कोई भी आपको हाँ बोल देता है, उसके साथ साथ अगर इस तरह के एक दो एग्जाम्पल दे देता है कि देखिए इस यूनिवर्सिटी से हमने करवाया था और ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आप लोग भी सोचते हैं जब ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। और उसका नतीजा क्या है कि किसी ने अगर 2020 में भी सरकारी नौकरी की है 2024 में ये पकड़ा गया, यानी कि अब जाकर उन लोगों के ऊपर भी गाज गिरेगी जो उन लोगों का अभी तक आराम से स्मूथली सरकारी नौकरी चल रही थी। तो OPGS यूनिवर्सिटी के बाद यही हुआ है। OPGS यूनिवर्सिटी की पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हो चुकी है, जैसे कि ये होता है स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं फर्जी डिग्री या मार्कशीट वहाँ से ले लेते हैं, वो लेने के बाद आप लोग कहीं ना कहीं उसको लगाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी को जब पता लगता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑन कॉल उसको आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। आपको बोला जाता है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में आइए। यूनिवर्सिटी कैंपस में जाने के बाद आपसे एक डिग्री वेरिफिकेशन के लिए मार्कशीट वेरिफिकेशन के 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट लिया जाता था। और इसी तरह की न्यूज़ अभी भी बहुत सारी आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक 5,00,000 रुपये तक डिग्रियाँ अलग अलग तरह की बांटी गई है। हालांकि OPGS यूनिवर्सिटी ने तो हद ही कर दी है कि उनके पास एग्रीकल्चर का कोई अप्रूवल नहीं था लेकिन BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर के ऊपर डिग्रियाँ बांटी गई है, जिसके लिए आज ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो वहाँ पर SOG ने बताया कि किस तरह से ये यूनिवर्सिटीज़ आपको डिग्रियाँ दे रही थी जो आपको अलग अलग कंसल्टेंट के थ्रू दिया जा रहा था, यानी कि इसमें सिर्फ कंसल्टेंट ही नहीं यूनिवर्सिटी डायरेक्टली इन्वॉल्व थी कि यूनिवर्सिटी ही अपनी मार्कशीट दे रही थी, उनके रिकॉर्ड भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ रहे थे और उस पर जाकर ये सारा एक्शन लिया गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कभी भी कोई काउंसलिंग कोर्स होता है या फिर इस तरह के कोर्सेज जो होते हैं, अगर हम राजस्थान की ही बात करें तो एक होता है अगर
अगर आपको बीपी एड करना है या फिर आपको पीटीआई के रिलेवेंट कोई कोर्स करना है तो आपके वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है कि पहले आपको एक फॉर्म भरना है, फिर आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद फिर आपका एडमिशन होगा। इस तरीके से चल के होता है क्योंकि एक लिमिटेड सीट्स होती है हर काउंसलिंग कोर्स की। चाहे आप अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी किसी से बीएड भी करना चाह रहे हैं तो एक लिमिटेड कोर्स के लिए लिमिटेड ही सीट्स होती है। तो वहाँ पर जाकर ये मामला पकड़ा गया है। अब यूनिवर्सिटी की इसके बाद भी है कि यूनिवर्सिटी का उन्होंने बताया है कि सैलरी अकाउंट की हम बात करें तो 27 सैलरी अकाउंट थे जिसमें से दिखाया गया है कि 9 लोग तो सिर्फ वहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ है। नॉन टीचिंग स्टाफ इन शॉर्ट कि हेल्पर है, एडमिन के हैं, आपका प्योन है, आपके गार्ड्स हैं, इस तरह के स्टाफ से, यानी कि सिर्फ 18 जो लोग थे 18 ही टीचर थे यूनिवर्सिटी के पास और 18 ही यूनिवर्सिटी कोर्स करवा रही है। यानी एक कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ एक ही ऑथराइज टीचर है और वो भी कितने जेन्युइन है उसका भी खुलासा अब धीरे धीरे हो जाएगा। बैकडेट डिग्री लेने के बाद जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह के स्कैम पकड़े जाते हैं तो जिन लोगों ने वहाँ से डिग्रियाँ अपनी ली हैं उन लोगों की भी इंक्वायरी होती है और अगर वो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में कहीं कर रहे हैं और अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं तो वहां पर उन लोगों के डॉक्यूमेंट अगर पकड़े जाते हैं तो उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये होता है कि उनकी फर्जी डिग्री के ऊपर उनके ऊपर केस भी चलता है। नौकरी तो गई, जो सैलरी आपने ली है गवर्नमेंट से वो भी आपको रिफंड करनी है और प्लस आपके ऊपर एक केस चलेगा कि हाँ आपने फर्जी तरीके से किसी नौकरी को हासिल किया है। इन शॉर्ट अगर हम माने तो हाँ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है यानी कि जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपना टाइम देते हैं उन सभी बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी ने क्या खिलवाड़ किया है कि हाँ आप लोगों क्यों इतनी मेहनत करनी है, आप हमारे पास आइए, पैसे दीजिए और सीधा डिग्री लीजिए, क्यों आप अपना 3 साल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों आप अपना 2 साल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अब इनकी अलग प्लानिंग थी कि ये अलग और 3 यूनिवर्सिटी ओपन करने वाले थे जिसका भी खुलासा वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया है। यानी कि अगर आप OPGS यूनिवर्सिटी से आपने भी कोई कोर्स किया है तो अगर हम बात करें कि वहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट कितना गया होगा तो रेगुलर स्टूडेंट वहाँ पर सिर्फ इतना था कि हाँ 18 स्टाफ है और 18 कोर्सेज के लिए, यानी कि एक कोर्स अगर हम बीए की भी बात करें तो बीए के लिए एक ही टीचर था जो हर क्लास को वहाँ पर पढ़ा रहे थे। और इसी तरह से और भी कोर्सेज के लिए या फिर हम बात करें काउंसलिंग कोर्सेज की, इस तरीके का वहाँ पर एक स्कैम चल रहा था जिसका न्यूज़ में बताया जा रहा है। अब आपका ये है कि अगर आपने भी वहाँ से किया है और आपको डिग्री वेरीफाई भी यूनिवर्सिटी ने कर दी है तो भी अब आपकी नौकरी खतरे में आ चुकी है अगर आपने इन दोनों यूनिवर्सिटी से कुछ भी कोर्स किया था। दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कि हाँ आप पीछे भी पड़ जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि मैंने यहाँ से की है, बिल्कुल अच्छी है, जेन्युइन है, बिल्कुल बैकडेट नहीं होगा, आपका बिल्कुल जेन्युइन होगा, आप बैकडेट लेने के बाद भी यूनिवर्सिटी में वेरीफाई करवा सकते हैं। इवन जब मैं कई बार देखता हूँ तो मेरी भी वीडियो, पुरानी वीडियोज़ जिसमें मैंने बताया कि बैकडेट डिग्री नहीं लेनी चाहिए, उन पर भी कुछ ना कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं और वो कहते हैं 100% जेन्युइन डिग्री के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और इस तरह के होते हैं कि हम भी यूट्यूब पे कई सारे कमेंट्स होते हैं जिनको डिलीट कर देते हैं, उनको रिपोर्ट स्पैम भी कर देते हैं। बट कई बार होता है कि आप अगर 200-500 वीडियोस डाल चुके हैं तो कितने कमेंट्स आप रोज पढ़ सकते हैं। बट उसके बाद भी ये होता है कि हमारा सिर्फ ये मोटिव होता है कि अगर हम कोई वीडियो डालें तो सिर्फ आपको इन चीज़ों से बचाने के लिए। और दोस्तों मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ ये है कि कहीं बिल्कुल प्राइवेट है कि आपको कुछ भी नहीं लगानी है कहीं पर भी, जैसे कि होता है कि हाँ बस मेरे को दिखाने के लिए वो चाहिए, आप ये करवा सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ कभी भी आप इन चीज़ों में मत कीजिए। फेक होता है पूरा का पूरा, ये 100% फेक होता है और स्कैम होता है। और जब ये पकड़े जाते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में, जैसे कि अगर हम बात करें जितेंद्र यादव जो इसके चांसलर थे, वो पहले भी 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं जैसा कि SOG ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, और उसके बाद भी वो निकल चुके हैं। बट यूनिवर्सिटी एज इट इज़ चल रही थी, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने वहाँ से कोई डिग्री ली थी, यानी कि अब उन लोगों की नौकरी पूरी की पूरी खतरे में आ चुकी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने का या आपको अपडेट देने का भी मोटिव सिर्फ इतना है कि कभी भी आप कहीं से बैकडेट डिग्री ना लें। आप यूनिवर्सिटी में प्रॉपर एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, उस तरीके से आप अपना कोर्स कर लीजिए। इन शॉर्टकट में अगर आप पढ़ेंगे तो कल को हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की वजह से आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। तो उम्मीद करूँगा आपको छोटा सा अपडेट पसंद आएगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे।